फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर के सिलेक्शन के बाद सबसे पहली पोस्टिंग कौन सी होती है और आईएएस ऑफिसर का पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आईएएस ऑफिसर क्या होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर क्या होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहले पोस्टिंग किस चीज़ की होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये याद रखना कि आईएएस जो होता है वो एक सर्विस होती है जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। तो जब आप आईएएस ऑफिसर के लिए सेलेक्ट किए जाते हो और आप अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करते हो तो सबसे पहले आपको एसडीएम बनाया जाता है। एसडीएम का काम अपने डिवीज़न में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, अपने डिवीज़न में रिवेन्यू डिपार्टमेंट को मेंटेन करना होता है और एक रिपोर्ट बनाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपना किसी भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का इनिशियल काम होता है। चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो फ्रेंड, यदि आईएएस ऑफिसर की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो आप याद रखना कि जो आईएएस ऑफिसर हैं वो ही देश को चलाते हैं। यदि आईएएस ऑफिसर जिले के किसी डिपार्टमेंट में तैनात किया गया है तो सरकार के द्वारा जो भी नीतियां लाई गई हैं उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम एक आईएएस ऑफिसर ही करता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां लाई गई हैं आईएएस ऑफिसर उसे डिपार्टमेंट के थ्रू पूरे जनता में सर्कुलेट कर देता है। और यदि आईएएस ऑफिसर किसी मिनिस्ट्री में तैनात किया गया है तो फ्रेंड उसका काम होता है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना और देश के हित में जितने भी फैसले होते हैं, देश के हित में होने वाले फैसले में पार्टिसिपेट करना किसी भी आईएएस ऑफिसर का हाथ होता है। आईएएस ऑफिसर क्या होते हैं ये तो आपको पता है, चलिए अब जानते हैं कि मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। फ्रेंड, मजिस्ट्रेट को हम हिंदी में दंडाधिकारी बोलते हैं, जिसका काम होता है दंड देना, यानी जिसके पास दंड देने का अधिकार है। और फ्रेंड, मजिस्ट्रेट भी कई टाइप के होते हैं, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ हम केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बारे में बताए हैं आपको, क्योंकि फ्रेंड डीएम और एचडीएम दोनों ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंडर में आते हैं। यदि बात करें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तो फ्रेंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उन एरिया और शहरों में स्थापित किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड याद रखना कि यदि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके बारे में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ज़िले में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उसका जो काम होता है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पुलिस व्यवस्था को संभालना। याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है और एक पीसीएस ऑफिसर भी हो सकता है, यह पूरी तरह से उस ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन पे और गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए पर निर्भर करता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीसीएस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो लगभग 12 से 15 साल में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, वहीं जो आईएएस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है वो 6 से 8 साल में एक डीएम बन जाता है। एक आईएएस ऑफिसर किसी ज़िले में डीएम और एसडीएम के रूप में भी काम करता है और किसी मिनिस्ट्री में चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के रूप में भी काम करता है। और एक आईएएस ऑफिसर यदि किसी ज़िले में राजस्व विभाग की पावर को यूज करता है तो उसे हम कलेक्टर कहते हैं, यानी एक आईएएस ऑफिसर कलेक्टर के रूप में भी काम करता है। तो यदि कलेक्टर की बात करें तो जो आईएएस ऑफिसर किसी ज़िले में राजस्व विभाग की पावर को यूज करता है तब उसे हम कलेक्टर कहते हैं। यदि वही आईएएस ऑफिसर किसी ज़िले में सीआरपीसी की पावर को यूज करता है तब उसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसलिए फ्रेंड आपने कभी कभी देखा होगा कि आईएएस ऑफिसर की गाड़ियों में कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी ज़िले में एक आईएएस ऑफिसर राजस्व विभाग और सीआरपीसी दोनों की पावर को यूज कर रहा है, इसलिए उसे हम कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। फाइनली यदि हम आईएएस ऑफिसर के पेंशन के बारे में बात करें तो याद रखना जो भी आईएएस ऑफिसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस को ज्वाइन किए हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अपने सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट किया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा 14% का कंट्रीब्यूशन रहेगा और यही जो पैसा पूरा बनेगा उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली दिया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2004 के बाद किसी भी आईएएस ऑफिसर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है।